नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। अगर आप भी अफरीदी के बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। अफरीदी ने पाकिस्तान में उठ रही कश्मीर की मांग को लेकर अपने ही मुल्क की सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। अफरीदी ने लंदन में कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो चार प्रांत हैं वही उनसे नहीं संभल रहे, तो कश्मीर लेकर क्या करेंगे। 48 साल के पाकिस्तानी खिलाड़ी अफरीदी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टूडेंट से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है। अफरीदी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शायद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा कहना है कि पाकिस्तान को कश्मीर की जरूरत नहीं। हालांकि अफरीदी ने ये भी कहा कि कश्मीर भारत के हवाले भी नहीं किया जाना चाहिए। अफरीदी ने कश्मीर के बारे में अपनी राय रखते हुए कहा कि कश्मीर को आजाद ही रहने दो, जिससे कम से कम मानवता तो जिंदा रहेगी, क्योंकि इस संघर्ष में अब तक काफी लोग मर चुके हैं। लोगों को मरने मत दो, इंसानियत बड़ी चीज है। कश्मीर में लोग मर रहे हैं जो कि बेहद शर्मनाक है। कश्मीर को आजाद ही रहने दो, इसमें सबकी भलाई है।